हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल लेट्स गाइस किड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और समय समय पर अपनी वर्कशीट यानी कार्य पत्रों को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 111 को, इसका जिसकी डेट है हमारे पास 17 नवंबर, और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है मैरीगोल्ड बुक का अ लिटिल फिश स्टोरी, ठीक है, जिसका पेज नंबर आपका 38 से 39 है। तो यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो ये स्टोरी आप अपनी मेरीगोल्ड बुक से पढ़ सकते हैं पूरी, एंड अगर आपको इसकी सेपरेट एक स्टोरी की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम वो भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। लेट्स बिगिन अवर डे विद आर फन एक्टिविटी। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इमेज ऑफ द फिश बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, कलर द पिक्चर टू। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑर्डर थे, ये मैंने इसे इन्हें ज्वाइंट करके ये फिश तैयार कर ली है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नहीं हुए थे तो वो आपको करने थे, तो जैसे मैंने यहाँ जोड़ जोड़ के बनाया वैसे आप भी 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा पॉइंट्स जोड़ के बनाएंगे इस तरह से अपनी वर्कशीट में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ इन ऑर्डर टू मीट अ लिटिल फिश। द लिटिल फिश वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ही वॉज टू स्मॉल एंड ही विश्ड टू बी लार्जर टू बी हैप्पी। ठीक है, तो ये फिश जो थी हमारी लिटिल फिश, वो हैप्पी नहीं थी, वो कभी भी हैप्पी नहीं रहा करती थी, बिकॉज क्योंकि उसे अपने आप से अपने आप पर ये बिलीव था कि मतलब वो छोटी है, अगर बड़ी होती तो वो हैप्पी होती, वो छोटी है इसलिए हैप्पी नहीं रहती, अगर बड़ी होती तो हैप्पी रहती। वन डे ही वाज स्विमिंग अलोंग विथ द रेस्ट ऑफ हीज स्कूल। तो एक दिन वो स्विमिंग कर रही थी अलोंग में, तो उसने रेस्ट किया स्कूल में, फिर उसने रेस्ट किया। जब वो थक गई स्विमिंग करते करते, तो वैन सडनली दे फाउंड हिमसेल्फ इन द मिशीज ऑफ अ ग्रेट नेट। यानी उसको मतलब उसको उसने क्या देखा, उसने एक ग्रेट नेट को देखा। ठीक है, वहीं पे जब वो रेस्ट कर रही थी उसने एक ग्रेट नेट को देखा। डू यू वॉन्ट टू नाउ वॉट हैप्पी नेक्स्ट, रीड द स्टोरी अ लिटिल फिश स्टोरी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से इसके आगे की स्टोरी को रीड कर सकते हैं। तो ये अब हैप्पी नहीं रहती थी क्योंकि इसे लगता था कि मैं छोटी हूँ, अगर मैं बड़ी होती तो मैं हैप्पी रहती। ठीक है, इसे ये लगता था। तो आगे की स्टोरी हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, एंड अगर आप चाहें तो आप इसे मैरीगोल्ड बुक से प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट, एंड यहाँ पे देखो एक टॉक टाइम है। देखिए, ये संवाद मैं आपको इसलिए नहीं कराती ताकि आपको संवाद करने आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीक में सबसे ज़्यादा यही आ रहा है, 3rd, 4th, 5th का। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में संवाद लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं इस तरह के कुछ भी संवाद अपने फ्रेंड्स के साथ, आप पेड़ पौधे लगाते समय जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है आप यहाँ पे करेंगे। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट, आपको वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।